स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता माहेश्वरी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स क्लास 5 उसका चैप्टर 11 मेजरमेंट इसकी एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 11D कंप्लीट करेंगे। 11A, B, C का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये 11D एक्सरसाइज आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। देखो मेजरमेंट में तीन है, आपको लेंथ को मेजर करना है तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आपका वेट का मेजरमेंट लेना है तो आपको किलोग्राम और ग्राम से लेते हैं, ओके। आपको कैपेसिटी का लेना है तो लीटर, मिलीलीटर से। ये टेबल बेस्ड जो क्वेश्चन थे ना वो 11A, B, C में थे। 11D में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। देखो इसमें क्या करना है अब मैं आपको, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन है एड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एड और सब्ट्रैक्ट जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैसे ही करना है एज इट इज। तो मैं आपको फर्स्ट ये दो या तीन क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, बाकी एज इट इज जैसे अपन एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वही करना है इसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एड है, 6 और 9 आपका कितना होता है 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 एज इट इज, तो 19 मीटर और 5 डीएम मतलब क्या होता है डेसीमीटर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, 2 और 8 आपके कितना होता है 10 की 0 कैरी 1, 9 और 5 14 और 1 15 और कैरी 1 1 और 1 2, ठीक है। तो आपका 25 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक है। अब एक आप सब्ट्रैक्ट का भी देख लीजिए, देखिए ये देखिए इसमें आपके डीएम मतलब डेसी मीटर और ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका है 6, ये कैरी ले लेगा 16 बनेगा, 16 में से 8 गया तो आपके पास आ जाएगा 8, ओके। यहाँ बन जाएगा आपके 1, फिर ये कैरी लेगा तो 11 और ये 4 बन जाएगा आपका 3, 11 में से 5 गया तो 6, 3 में से बन गया 2, ठीक है। 26 डीएम और आपका 8 सेंटीमीटर, ओके। एक और देख लीजिए सब्ट्रैक्ट का, ये 0, ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, आपका 4 है तो ये कैरी लेगा छोटा नंबर ऊपर तो आपका ये बनेगा 14, 14 में से 6 लेस करोगे तो आपके पास आएगा 8, ये बन जाएगा आपका 3 बनेगा 2, ये फिर कैरी लेगा 12, ये 12 में से तो 8 लेस कर लो 4, ठीक है, ये बनेगा 1 148, या आप डायरेक्ट 22 में से 8 भी लेस करते थे कर सकते थे तो 14 आंसर, ठीक है। तो 148 आपका किलोग्राम इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट है ना एड एंड सब्ट्रैक्ट A2 O, ये सब ऐसे ही होंगे, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या करना है, 3 बुक्स ऑफ थिकनेस 18 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर एंड 7 मिलीमीटर है, ठीक है, आर पाइल्ड ऑन टॉप टू ईच अदर, ओके। एक ऐसे फाइल बनी हुई, ये मतलब पैक करा हुआ है, तीनों का एक पाइल बनाया हुआ है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द पाइल, ठीक है, कितनी है टोटल, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो तीनों का क्या करेंगे अपन, टोटल करेंगे। जब आप तीनों का टोटल करोगे ना 18, 13 और 7, देखो ये तीनों है मिलीमीटर में तो इनका टोटल करेंगे 38 मिलीमीटर। अब आपको आंसर देना है सीएम यूजिंग डेसिमल नोटेशन, तो आपको एक जो सेंटीमीटर है ना उसमें होता है 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब आपको इसको उल्टा करना है, मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में, तो आप डिवाइड करेंगे 10 से, टेन से करेंगे तो 3.8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड में क्या करना है, एक बॉक्स कंटेन ए बुक वेट, ठीक है, जिसका वेट आपके इतना है 1 किलोग्राम और 200 ग्राम है, ठीक है। एक बॉक्स में एक बुक है तो उसका वेट इतना है। इफ द बुक सॉरी बॉक्स अलोंग वेट, तो बॉक्स का वेट है 15 ग्राम, ठीक है। What is the weight of the book? अब वो पूछ रहा है बुक का वेट कितना है, बॉक्स का आपका 15 ग्राम है, ठीक है, बॉक्स का आपका 15 ग्राम है और टोटल आपके दोनों का इतना है, तो इसमें से क्या कर देंगे 15 ग्राम लेस कर देंगे। भाई 1 किलोग्राम एज इट इज 1 किलोग्राम आ जाता है, 200 ग्राम में से आप 15 लेस कर दोगे तो 185 ग्राम आएगा, ठीक है। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं आपको यहाँ सॉल्व करा देती हूँ, अरेंज करके 1 आपका 200 आपका ग्राम था जिसमें आपको लेस करना है 15, ये ग्राम में ऐसे अरेंज होगा, ठीक है। 1 ये आपका 10 में से 5 गया आपका 5, ये हो जाएगा 1919, 9 में से बन गया 8, ये 1 और 1 आपका ऐसे आ गया, ठीक है। तो 1 आपका क्या है किलोग्राम
और 185 आपका है ग्राम। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये हुश स्लैब ऑफ ग्रेनाइट, एक दो ग्रेनाइट का स्लैब है बड़ा सा, उसका वेट है 8 किलोग्राम एंड 450 ग्राम है। ठीक है, ए बिगर स्लैब ऑफ मार्बल, एक मार्बल की बड़ी स्लैब है जिसका वेट है आपके 2 किलोग्राम एंड 5 ग्राम हैवियर देन, मतलब इससे इतनी भारी है ये। ठीक है, देन द स्लैब, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मार्बल स्लैब, अब आपको मार्बल स्लैब का वेट काउंट करना है। ठीक है, तो इसको इसमें क्या करना है, एड भाई इतना आपके पास ये, अब वो कह रहा इससे इतना भारी है वो, तो मार्बल की स्लैब का आपको वेट करना है, तो नेचुरल है इससे क्या करना है, एड करना है। तो स्टेटमेंट क्या आएंगे, वेट ऑफ ग्रेनाइट स्लैब ये है, बिगर वेट ये मार्बल स्लैब हैवियर देन ग्रेनाइट स्लैब बराबर 2 kg एंड 5 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ मार्बल स्लैब आपको इन दोनों का क्या करना है, टोटल, देखो टोटल कैसे करेंगे आपका 8, ठीक है 450, यहाँ पे आ जाएगा 2 किलोग्राम और यहाँ आ जाएगा आपका 5, तो ये तो हो जाएगा आपका 5, 5, 4 और ये आपका हो जाएगा 10, तो आपका 10 किलोग्राम आ जाएगा और आपका 450 आपका ग्राम आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 6 में देखो क्या है, 6 में एक है कि विवेक जॉक्स मतलब जॉगिंग करता है 6 टाइम अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 140 मीटर, मतलब जॉगिंग करता है तो नेचुरल ट्रैक पे चलेगा, तो आपको पैरामीटर फाइंड करना है इसमें। ओके, हाउ मैनी किलोमीटर्स एंड मीटर डज ही जो, ठीक है वो कितना मतलब किलोमीटर मीटर उसने जॉगिंग करी है, ही हैड प्लान टू जॉग 4.5 किलोमीटर, उसका प्लान है 4.5 किलोमीटर जॉगिंग करने का, हाउ मच इन मीटर इज स्टिल लेफ्ट टू जॉग, तो वो कितना उसका बचा है वो, ठीक है किलोमीटर में कितने उसकी जॉगिंग के लिए किलोमीटर है, मीटर कितने उसके बचे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इसमें क्या निकालेंगे, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 × साइड। ओके, तो साइड आपके पास है 140 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 560 आ जाएगा, अब कितने टाइम करता है 560 को, 6 टाइम करता है, तो 560 × 6 करेंगे तो 3360 मीटर आ जाएगा। ओके, अब हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड मीटर डज ही जॉग, तो ये जो है ना इतना मतलब ये जॉगिंग करता है आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और आपका 360 आएगा यहाँ पे, ठीक है किलोमीटर और 360 आपके मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है उसको कितना प्लान था 4.5 किलोमीटर, यानी 4 इसको आपका मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो ठीक है मीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे इसको तो 4500 आ जाएगा। ठीक है, अब 4500 है ना उसमें से वो पूछ रहा है हाउ मच इन मीटर इज स्टिल लेफ्ट टू जॉग, मतलब कितना उसका बचा है मीटर में, तो आपका ये है ना 3360, इसको आप माइनस जब करोगे तो ये आपके आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 10 में से 6 गया तो 4, ये आपके आ जाएगा 4 में से 3 गया 1, तो आपके पास आ जाएगा 1 किलोमीटर और 140 मीटर जो है ना इतना आपके उसका जो लेंथ है ना वो आपके बची है जॉगिंग के लिए। ठीक है, 1 किलोमीटर और आपका 140 मीटर, ठीक है इतनी आपके लेंथ इसके बच जाएगी। ओके, अब आपका है 6th क्वेश्चन, देखो 6th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फॉर ए बर्थडे पार्टी ए 10 लीटर ऑयल कैन बी परचेज्ड। ओके, तो आप ऑयल वॉज परचेज बराबर 10 लीटर। ओके, आफ्टर द पार्टी 6 लीटर एंड 450 मिलीलीटर ऑफ ऑयल वॉज स्टिल लेफ्ट इन द कैन। ठीक है, तो आफ्टर पार्टी ऑयल वॉज स्टिल लेफ्ट इन द कैन बराबर आपके आ जाएगा 6 लीटर एंड 450 मिलीलीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा हाउ मच ऑयल इन लीटर वॉज यूज इन द पार्टी, कितना यूज हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें माइनस करना है, आपको 10 जो लीटर है ना उसमें से आपको ये मैं इधर कर देती हूँ। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे आपका 10 लीटर। ठीक है, अब ये इसमें से लेस करना है 6 लीटर और आपके 450 मिलीलीटर, यहाँ पे नहीं है तो नेचुरल 3 ऊपर 0 लगानी है। ठीक है, माइनस करेंगे 0 की 0। ओके,
ये आपका 10 है, 10 में से 5 गया 5, ये आपके हो जाएगा 19, 9, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है। तो आपका कितना बचेगा इसमें, 3 लीटर और आपके 550 मिलीलीटर जो है ऑयल, ये ऑयल है ना, वो आपका यूज्ड हुआ है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 12 बैग ऑफ राइस पर डिलीवर एट ए ग्रोसर शॉप, ठीक है। आपका जो 12 बैग्स है ना राइस, वो डिलीवर हुए हैं ग्रोसर शॉप से, ओके। द टोटल वेट बीइंग आपका 154 किलोग्राम एंड 560 ग्राम है। इफ ऑल बैग्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ राइस, ठीक है, सब में बराबर है, फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग। आपको एक का निकालना है, जब ज्यादा का दिया हुआ है और वन का निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, डिवाइड, ओके। स्टेटमेंट ये आएगा, 12 केजी ऑफ राइस बैग बराबर इतना है, वेट ऑफ 12 बैग्स ऑफ राइस आपका ये आ जाएगा 154 किलोग्राम एंड 560 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ वन बैग निकालना है तो वो आपका डिवाइड होगा। अब देखो डिवाइड, देखो कैसे करेंगे इसको, 12 से 12 का वन टाइम जाएगा, आपका 12 लेस करेंगे 3 बचेगा, 4 नीचे आया, ठीक है, 12 टू जा 24, फिर आपने 24 लेस करेंगे तो 10 बचेगा, ये वाला आपका 5 नीचे आएगा, 8 टाइम जाएगा, ठीक है, 12 एट जा 96, ठीक है, 96 आया, लेस करेंगे आपका कितना जाएगा 9, ये 6 वापस नीचे आएगा, फिर 12 एट जा 96, इसमें से ये लेस करेंगे तो आपके बचेगा 0। अब ये जो डिविडेंड की 0 यहाँ नीचे आएगी ना, तो इस 0 को यहाँ लगाएंगे, ओके। अब आपको इसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे या बैक साइड से काउंट करेंगे, 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये सारा तो क्या है, 12 क्या है आपका किलोग्राम, और जो 880 है ना वो आपका ग्राम है, तो हर एक जो बैग का वेट है ना वो है 12 किलोग्राम और 880 ग्राम आंसर आएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8, देयर वर 42 फ्लैट इन ए सोसाइटी, ईच फ्लैट हैज एन ओवरहेड टैंक, हर के पास अपना अपना टैंक है, द कैपेसिटी ऑफ ऑल टैंक बीइंग द सेम, सबकी सेम है, ठीक है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर इन दीज 42 टैंक्स इज इतना है, 64 किलोलीटर एंड 176 लीटर है, ठीक है। वॉट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच टैंक इन किलोलीटर, आपको किलोलीटर में निकालना है, आपको 42 की दे रखी है और 1 का पूछ रहा है, तो वही सेम डिवाइड करेंगे, स्टेटमेंट भी वही है, आपका कैपेसिटी ऑफ वाटर इन 42 टैंक्स बराबर इतना, तो कैपेसिटी ऑफ वन टैंक, वन कैपेसिटी ऑफ वाटर इन वन टैंक बराबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो डिवाइड कैसे करेंगे इसको, 42 को 64 और 176 है, ठीक है, तो 176 आपको इसमें वही सारा एक बार लीटर में कर रहे हैं अपन, 40 ये आपका वन टाइम जाएगा 42, इसको इसमें से लेस करेंगे 22 बचेगा, वन नीचे गया, आपका जाएगा 5 टाइम 210, लेस करेंगे 11, 7 नीचे गया, ओके। फिर आपका जाएगा 2 टाइम 84, लेस करेंगे 33 आएगा इसमें से, 6 आपने नीचे करा, पूरा 8 टाइम जाएगा ये, 336 आएगा, माइनस करोगे 0, इसका आंसर आएगा 1 किलोलीटर एंड 528 लीटर, ओके। तो हर एक जो टैंक की वाटर जो कैपेसिटी ना वो ना एक किलोलीटर और आपका है 528 लीटर आएगा, ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9 में करना है, ए बॉटल होल्ड 1 लीटर एंड 140 ml ऑफ शैम्पू, ठीक है। राधिका यूज 95 ml ऑफ शैम्पू इन ईच वीक, ठीक है, हर एक वीक में 95 ml वो यूज लेती है। हाउ मच वीक विल द बॉटल ऑफ शैम्पू लास्ट, मतलब कितने वीक तक वो चलेगी। तो इसको पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अपने पास ये मिलीलीटर में है, तो नेचुरल इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसमें 140 ऐड करेंगे तो 1140 मिलीलीटर आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है
हाउ मैनी वीक विल द बोटल ऑफ शैम्पू लास्ट, तो आप जो 1140 ना उसको 95 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा 12 टाइम जाएगा ये, ठीक है। तो 12 वीक इसका आंसर है कि 12 वीक तक चलेगा उसका। इफ शी एक्सीडेंटली स्पाइल यानी उसके से गिर जाता है वो 475 ml ऑफ शैम्पू, ठीक है, तो वो इतने से गिर जाता है, तो गिर जाता है तो इसको इसमें से लेस कर दो, 1140 उसमें से 475 आप लेस करो तो 665 बचेगा। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल द बॉटल लास्ट, आप कितनी से चलेगी, तो 665 को जब 95 से आप डिवाइड करेंगे ना तो 7 टाइम पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो अब वो चलेगा आपके 7 वीक चलेगा, ठीक है। अब आपका ये जो 11th D है ना एक्सरसाइज, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।